फ्रेंड्स, मैं हूं आपका होस्ट, आपका दोस्त सरफराज तैमूर, एंड वेलकम करता हूं आपको सरफराज तैमूर ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पे। फ्रेंड्स, जैसे कि आप तमाम दोस्त जानते हैं कि इन हैं, और आज जो है हेड सेवन पे आए हुए हैं, बच्चों को पार्क में लेके आए हैं और हेड सेवन पे आए हैं, और मैं सेकेंड टाइम आया हूँ, बच्चों को फर्स्ट टाइम लाया हूँ। बच्चे हैं मेरे साथ, मेरा कज़न है, ठीक है, ये मेरा बेटा बड़ा मोहम्मद हसन, और पीछे छोटा बेटा है हुसैन, और ये मेरे कज़न है और भाई। तो अभी जो है हम पार्क में हैं, उसके बाद आपको पानी दिखाते हैं, जो नहर हेड सेफन के नीचे से, हेड सेफन का जो सबसे यानी कि खूबसूरत बात यह है कि वो नीचे से निकला, हमारे पाकिस्तानियों ने उसको, और उसकी म्याद ख़त्म है, यानी कि जो उसकी एक्सपायरी डेट है वो ख़त्म हो चुकी है, ठीक है, उसको 100 साल से ज़्यादा अर्सा गुजर चुका है, लेकिन हमारे पाकिस्तानी कहते हैं कि भाई हेड सेफन और भी 100-150 साल चलेगी, ठीक। तो चले मैं आपको वो पुल भी दिखाता हूँ, और बीच में दरिया में भी उतरते हैं कि दरिया जो दरिया सतलुज है, ठीक है, उसमें भी चलते हैं, क्योंकि पानी तो नहीं है, नहर में पानी है जो नीचे से आ रही है, लेकिन दरिया में पानी नहीं है। तो चले मैं आपको पानी दिखाता हूँ, ठीक है, दरिया के अंदर उतरते हैं। फ्रेंड ये देखें, ये वो नहर है, पक्की नहर, सिंगी नहर जो आगे आ रही है, बसें भी हैं उस तरफ, हरूनाबाद चिश्तियों वाला रोड है राइट साइड, लेफ्ट साइड पर जहाँ मैं खड़ा हूँ, ये रोड जो है खैरपुर को जाती है। ये देखें, ये नहर है, ये पुरानी नहर है, पुराना दर है, जहाँ वो यानी कि अंग्रेज़ के मुताबिक और जिन्होंने बनाया था उनके मुताबिक ये एक्सपायर है, और वो जो दर है सामने आप देख रहे हैं वो पाकिस्तानियों ने बनाया है, ठीक है, उसको 5 से 7 साल हो चुके हैं, और ये नहर पक्की नहर है, और इसमें ज़्यादा पानी भी होता है, बहुत ज़्यादा भी होता है। यहाँ एक तरफ पार्क है, दूसरी तरफ जो है शॉप्स हैं मछली की, और अभी हम चल रहे हैं दरिया के अंदर, फिर आपको जो नहर है नीचे दरिया से आ रही है वो भी दिखाते हैं। तो अभी चलते हैं हम दरिया के अंदर, पानी नहीं है तो जो थोड़ा सा पानी है वो भी दिखाते हैं आपको, क्योंकि जो यह मेलसी की जगह है, दरिया हेड सेफन, दरिया सतलुज के ऊपर मेलसी के एरिए के अंदर है, और हेड इस्लाम पे लास्ट टाइम जो पानी आया था वो हेड इस्लाम पे रोक लिया था, जो सैलाब का पानी आया था फ्लड का, तो उन्होंने वहीं पे रोक लिया। फिर इसकी डेट ऑफ बर्थ, सॉरी डेट ऑफ बर्थ कह रहा था, जो बनने की डेट है वो भी आपके साथ शेयर करेंगे। तो चलें फिर अभी दरिया के अंदर चलते हैं, दरिया के पेट में, ठीक है, और ये मेरे बेटे की सिचुएशन देखें, मुँह खोल के खड़ा हुआ जब मैंने इसको दरिया का नाम लिया। तो आप देख सकते हैं इस वक्त सूरज जो है ग़ुरूब होने के करीब है, 6:15 हो रहे हैं, और ये वो पुल है जो दरिया की, ये ऊपर पुल है, और अंडरग्राउंड जो है ज़मीन के अंदर नहर जा रही है, जो मैंने आपको दिखाई है पहले इस वीडियो में। ये देखें, इस पुल के नीचे नीचे ही उन्होंने नहर का जो निज़ाम है, नहर जो है अंडरग्राउंड, उसकी पूरा यानी कि पाइप लाइन की तरह, यानी कि पूरा अंदर एक आदमा जगह बनाई है, और उससे राइट साइड से, इस साइड से शुरू हो के इस साइड, ठीक है, तकरीबन 1.5 किलोमीटर या 0.5 किलोमीटर बनता है, ठीक है, आप देखें उस तरफ जो है पानी निकल रहा है, और इस तरफ जो है थोड़ा सा पानी मौजूद है, ये आप देख सकते हैं, ठीक है, और यहाँ पे जो है कश्ती रानी की जा रही है, लोग कश्ती में घूम रहे हैं। तो ठीक है, इस वक्त हम दरिया के अंदर खड़े हुए हैं, दरिया सतलुज, ठीक है, हेड सेफन, ठीक है, ये आप देख सकते हैं फ्रेंड्स, और हमारी बाइक हुआ है न्यू बाइक, और ये देखें यहाँ पानी थोड़ा सा, ये बिल्कुल मेरे ख्याल में जो अभी फ्लड आया था उसका पानी भी हेड इस्लाम पे रोक लिया गया था, तो ये दूर तक अगर मैं आपको दिखाऊं कुछ पानी नहीं, लेकिन ये एरिया पूरा जो है दरिया सतलुज का एरिया, देखें खुश्क, इस वक्त जो ईद की वजह से काफ़ी रश है, लोग घूमने आए हुए हैं, लेकिन वैसे ईद पे यहाँ पे रश नहीं होता, क्योंकि एक तफरी मकाम तो है, लेकिन अब पानी भी नहीं है तो लोग क्या करने आएंगे। पहले यहाँ पे लोग मछली पकड़ के बेचते थे, लेकिन अब ऐसा नहीं, अब जो है फार्म की मच्छी ऊपर फ्राई करके बेच रहे हैं, काफ़ी लोग इंजॉय करने आए हुए हैं, फैमिलीज़ हैं, काफ़ी दोस्त हैं, और मेरे साथ मेरे बच्चे हैं, मेरा छोटा बेटा मोहम्मद हसनैन, ये सामने आप देख सकते हैं, और ये बड़ा बेटा मोहम्मद हसन, ये कज़न है खावर, और मैं तो आपको पता, जानते हैं आप लोग मुझे, ठीक है। तो ये सारी जनाब आज की वीडियो है, तो अभी ऊपर जो है डेट भी दिखाते हैं कि कब ये पुल बनी, कब ये हेड बनाया इन्होंने, तो चलें ऊपर चल के देखते हैं, फिर इंशाल्लाह घर की तरफ रवाना होंगे, ये देख सकते हैं आप, ठीक है। मैंने जो है वो तख्ती देखी है, वो जो नंबर प्लेट थी के जिसके ऊपर लिखा हुआ था कि हेड कब बना है, तो इस वक्त नहीं दिखी, तो हम सेफन पे ही अभी पंप पे पेट्रोल लगवा के इंशाल्लाह वापसी घर के लिए निकल रहे हैं। तो फ्रेंड ये सारी आज की वीडियो थी, और दिन भी उतर रहा है, तो हमने काफ़ी थोड़ा दूर जाना है, यानी कि रास्ता थोड़ा सा नया है हमारे लिए, तो इसलिए इंशाल्लाह कोशिश करेंगे नेक्स्ट टाइम आपको हेड सेफन की अच्छी से अच्छी और बेहतर वीडियो बनाने की कोशिश करेंगे। दुआ में याद रखिएगा, फी अमान अल्लाह।